मेरी माँ, माँ मेरी माँ। ईश्वर को मैंने देखा नहीं, देखा है तुमको मेरी माँ। आँख खुली तो देखा तुझे, ममता पिलाई तूने माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ। ममता का सागर आंचल में तेरे, तूने दिया है जीवन दान। तू जो नहीं तो सूना है जीवन, अब ना कटेगी ये दिन ये रात। दुनिया में माँ का तू जाना कोई, माँ के साथ बस कुछ पल की बात। माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ फिल्म डायरेक्टर स्निग्धा मुखर्जी। हम बच्चे जब भी बड़े हो जाते हैं, अपनी माँ बाप से सब कुछ ले लेते हैं, उनकी धन दौलत प्रॉपर्टी, उनका खून चूस चूस के बच्चे लोग बड़े होते हैं और अपने माँ बाप को फिर वृद्धाश्रम में धकेल देते हैं, पुराने फर्नीचर पुराने कपड़े की तरह, और बूढ़े माँ बाप असहाय कुछ कर भी नहीं पाते। तभी स्टोरी का नाम है माँ के साथ कुछ पल। कुछ पल कब? नमस्कार। आजकल के दौर में सब कुछ बदल गया है, पहनना खाना पीना, जीने का तरीका, बात करने का तरीका। जो नहीं बदला है वो है हमारे माँ बाप का हमारे लिए प्यार। ये एक ऐसा रिश्ता है जो किसी भी हालात में नहीं बदलता। हमारे मन में भले ही हमारे माँ बाप के लिए भावनाएं बदल जाएं, लेकिन हमारे माँ बाप के मन में हमारे लिए भावनाएं कभी नहीं बदलती। इसलिए तो माँ बाप को भगवान कहा जाता है, गॉड कहा जाता है, खुदा कहा जाता है। एक माँ 9 महीने अपने बच्चे को कोख में पालती है, उसे जन्म देती है, अपना दूध पिलाकर उसे नया जीवन दान देती है। जिंदगी भर अपने सुख की चिंता न कर रात रात भर जाग कर अपनी माया से अपनी ममता से उसे पालने की कोशिश करती है, बड़ा करने की कोशिश करती है, उसे खिलाती पिलाती है, पढ़ाती लिखाती है, उसे बड़ा करती है। और फिर बड़े होने के बाद क्या ये बच्चे अपने माँ बाप को वो प्यार वो इज्जत देते हैं जिसके वो हकदार हैं? कि वो अपने माँ बाप के लिए वो सारी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं जो जिंदगी भर माँ बाप ने उनके लिए किया है? आइए देखते हैं आज की कहानी में माँ के साथ कुछ पल। ये कहानी एक माँ और उसकी बेटी की है, एक आम कहानी, एक सच्ची कहानी। मैं हूं डॉक्टर देवाशीष नाह, मैं भी इस कहानी में एक छोटा सा किरदार निभा रहा हूं, पंचु तिवारी का। तो आइए हम सब मिलकर देखते हैं माँ के साथ कुछ पल। नमस्कार। तुम तो मेरी दुकान छोड़कर आ गई क्यों? अरे मैंने तुम्हें रोका। क्यों? उस दुकान में कीमती कपड़े मिलते हैं इसलिए। अरे अच्छी चीजें लेने जाओगे तुम्हें तो महंगी मिलेंगी ना। और
वैसे भी मुझे छोटी मोटी दुकान से शॉपिंग करना अच्छा नहीं लगता। शॉपिंग करो तो बड़ी दुकान से करो, बड़े मॉल से करो। चीजें लो तो अच्छी लो, वरना लो ही मत। जिंदगी में चीजें और कपड़े, इनके अलावा भी कुछ लोग और कुछ रिश्ते होते हैं जिनके प्यार और जज्बात को हम पैसों से नहीं खरीद सकते। खैर, बातें तुम्हें क्यों पता? तुम और तुम्हारी बात। अच्छा तुम्हें पता है इस दुकान का एड्रेस मैंने कितनी मुश्किलों से निकाला, तब जाके मुझे ये दुकान मिली। एक बात तो अच्छी है इस दुकान में, इस दुकान में ना मेरे बच्चे के दुर्गा पूजा की सारी शॉपिंग हो। आवाज कट रही है, नेटवर्क जा रहा है शायद। हेलो, हेलो परमेश्वर, अरे मैं कब से आपको कॉल कर रहा हूँ। हेलो हेलो, हाँ नेटवर्क कट रहा है शायद। इधर, अरे फोन बहुत हुआ लेकिन अभी देखना भी मत भूल के इस फोन की तरह। समझे तुम, सोचा था एक दिन अपने पति के साथ रिलैक्स करूंगी, उसका भी फुर्सत नहीं देती है बुढ़िया। जब देखो अपने मैनेजर से या खुद फोन करवाती रहती है। सोचा था आश्रम में भेजने के बाद थोड़ा चैन का सांस लूंगी, पर कहां। क्या बोल रही हो तुम, मुझे मेरा फोन दो। अरे कुछ काम होगा उनको और वो बोल रहे थे कुछ अर्जेंट काम है करके, मुझे बात करने दो उनके साथ। ओ प्लीज, कोई अर्जेंट का काम नहीं है समझे, इसे बहाने हैं तुमसे बात करने का। अरे नहीं तो दुर्गा पूजा आ रही है, कुछ चाहिए होगा, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। अरे मेरी माँ है वो मुझसे मांगेगी और किससे मांगेगी वो, और मैं तो हूं नहीं वहां पर उनके पास, कम से कम फोन पे तो बात कर सकता हूँ मैं। मुझे फोन दे दो, फोन दो। ओ प्लीज, कोई अर्जेंट पर्सन समझे, ये सब बहाना है उस बुढ़िया का सिर्फ तुमसे बात करने के लिए। कुछ नहीं तो कीमती साड़ी चाहिए हो, मैं पहले से बता रही हूँ उनको कोई कीमती साड़ी नहीं दे पाऊंगी, बोल देना उनको। वैसे ही बहुत खर्चे हैं, और मुझे एक कांजीवरम साड़ी चाहिए। मैं कब से तुमसे मांग रही हूँ, पिछले साल भी मांगू तुमने नहीं दिलाया, अब तुम दिला देना इस साल मुझे। क्या क्या बोल रही हो तुम, तुम्हें समझ में आ रहा तुम क्या बोल रही हो? अरे मेरी माँ मुझसे नहीं बात करेंगी तो किससे बात करेगी वो, मैं तो हूं नहीं वहां पर उनके पास, कम से कम फोन पर तो बात कर सकता हूँ उनसे मैं। मुझे मेरी माँ से बात करने नहीं दिया और तुम। अब तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही है। मैंने सब देखा, तुम्हारी माँ रो रोकर कैसे तुमसे सारी चीजें निकलवा रही है, एक नंबर की ना नैगिंग क्वीन है। मेरी माँ नैगिंग क्वीन, कुछ तो शर्म करो, पाप कर रही हो तुम पाप। मैंने आज तक तुम्हारे माँ के बारे में कुछ गलत कहा है कभी? ओ प्लीज, मेरी माँ को बीच में मत लाओ, ठीक है? उन्हें अच्छे से आता है कि अपने जमाई को इज्जत कितना देना है, बराबर जानती है वो। तुम्हारी की तरह नहीं कि हर समय अपनी माँ का ही गुणगान करता रहता है, बस मेरी माँ को ये हो गया, मेरी माँ को वो हो गया। और तुम्हारी माँ आती थी मेरे पास, मेरे बेटे के लिए ये कर दे, मेरे बेटे के लिए वो कर दे। मैं क्या उनकी नौकर लगी हूँ इस घर में? अरे इतना ही प्यार था अपने बेटे से तो क्यों करी शादी, अपनी गोद में बिठा के रख लेती। इतनी गंदी सोच तुम्हारी, क्या क्या बके जा रही हो तुम, कुछ तो सोचो क्या बोल रही हो तुम, शर्म तो करो थोड़ा। बेचारी मेरी माँ हर चीज चुपचाप सहती है, कोई और माँ होती ना तो पता चलता कि वैसी सास कैसे होती है, और मेरी माँ सब चुपचाप सहती है। क्या कहा तुमने, मैंने तुम्हारी माँ को टॉर्चर, और तुम्हारी माँ मासूम है हाँ, तुम्हें तो अपने आंचल में बिठाकर रखना चाहती थी, और मुझे मुझ पर वो हुक्म जताना चाहती थी हाँ, चिढ़ती थी मुझसे, खुद तो विधवा थी ना, मेरे पति का प्यार मुझ पर देखकर ना उसको जलन होती थी बहुत बुरी तरह से। कुछ भी बके जाती, और कब मेरी हर तुम्हें परेशान किया, वो हर बात में तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी, क्या हेल्प करना भी गुनाह है? ओ हेल्प, वो हेल्प नहीं थी, सब रोंग था समझे, मेरी माँ ने मुझे सब अच्छे से समझा दिया। तुम्हारी इसी टॉर्चर से माँ को बचाने के लिए मैंने माँ को वृद्धाश्रम भेजा, ताकि कम से कम वहां जाकर तुम उन्हें परेशान न कर सको। और मेरी एक बात सुनो, अगर तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे इशारों पर नाचने वाला तो ये कभी नहीं हो सकता। अच्छा वो तो देखा ही जाएगा, तुम्हें कब कितना डोज देना है और कैसे संभालना है मुझे अच्छे से आता, और अभी ज्यादा मुंह बोला ना तो पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करूंगी तुम्हारी, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहे हो तुम, समझे? अगर तुमने पुलिस स्टेशन जाकर तुम झूठी कंप्लेन करोगी मेरी, तुम ऐसे बोल भी कैसे सकती हो?
क्यों, क्या हुआ? अरे ये पसीना क्यों आ रहा है तुमको? गला क्यों सूख रहा है तुम्हारा? अरे अरे चेहरे का गम कैसे उड़ गया तुम्हारा? चेहरे का तो रंग ही उड़ गया है। डरने की कोई बात नहीं, बस ऐसे ही मेरी बातें मानते रहो, कुछ नहीं होगा। और देखो ना आज मैंने शॉपिंग करी थी, कितना अच्छा मूड है मेरा, प्लीज उसे स्पॉइल मत करो ना। परमेश्वर अरे मैसेज बहुत अर्जेंट है। हेलो परमेश्वर, हाँ मनीता साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। जिन्होंने पैदा किया, गोद में खिलाया, पाल पोसकर बड़ा किया, बाद में वही बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप को एक कचरे की तरह, एक अनवांटेड चीज की तरह निकाल कर बाहर फेंक देते, मुड़कर देखते भी नहीं कि वो कैसे हैं, जिंदा है कि मर गए हैं। आप मत फैमिली से जानते मेरे को सिचुएशन। अरे लेकिन जरा मुझे ये बताएं कि मेरी माँ कैसे थी, उनके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। आपके माँ अब नहीं रहे। बहुत कोशिश किया आंटी को बचाने की, लेकिन डॉक्टर ने अपने लेवल पे बहुत कोशिश किया। सॉरी परमेश्वर, आज ही सवेरे सीवियर कार्डियक अरेस्ट होगा था उनको। और क्या बोलूं मैं, इन महान नहीं रही। आंटी इस बार दुर्गा पूजा देख नहीं पाए। पिछले बार उन्होंने बहुत पूजा किया, क्या थोड़ी होगा, बहुत लेट हो चुके हैं, आप जल्दी से आ जाइए। मैं आता हूँ, अभी निकल रहा हूँ मैं। दुर्गा पूजा से पहले हो गया। मूर्ति की तरह बैठे हो, हिल भी नहीं पा रहे हो। अपनी माँ को बोल दिया ना कि इस बार की पूजा में मैं उन्हें कोई साड़ी वाड़ी नहीं दे पाऊंगी। मुझे अभी बदलापुर जाना होगा। पागल हो गए क्या? अभी अभी तो आए हैं शॉपिंग करके, अभी नहीं जा सकते, बाद में जाना। बाद में नहीं, अभी जाना होगा, पर देर हो जाएगी। तुम्हारी माँ का फोन आया तो तुम्हें अभी के अभी भागना पड़ेगा क्या? माता श्री ने फोन किया तो लाडला भागा भागा जाएगा उनकी सेवा में। हाँ लेकिन पहले मेरी माँ को साड़ी देके जाना। ये ब्राह्मी घर गई है मौत के घर, जहां से कोई लौट कर नहीं आता।
तुम भी क्यों नहीं चली जाती वहां पर? ये भी कोई शादी है जो रोज थोड़ा थोड़ा करके मर रहा हूं मैं, रोज तुम खून चूसती हो मेरा। मां ने भी कैसी औरत मेरे गले बांधी। अरे अभी कार लेकर जाओगे तो रात का खाना क्या अपनी माँ की गोद में बैठकर खाओगे? हाँ पहले साड़ी देके आओ फिर जाना। एक बात तो है मेरी शॉपिंग ना सॉलिड हो गई। तेरी माँ की साड़ी भी बहुत अच्छी मिल गई, तेरी माँ ना बड़ी खुश हो जाएगी। घर में जाए बेटा और घर में जाए माँ। अच्छा हुआ मैंने फोन पहले लेके बैग में डाल लिया था, वरना ये वही के वही मुझे दुकान में छोड़ के अपनी माँ के पास भाग जाता। मुझे माफ कर देना माँ। मैंने सब सुन लिया था। अपने सब छोटे बच्चे जो है बूढ़े बुढ़िया सब ठीक ठाक है, डॉक्टर टाइम में आ जाओ। थैंक यू वेरी मच। हमेशा खुश रहो और मुझे भी खुश रखो। अपना ये जो घर है हमारा आंगन छोटे छोटे बच्चों की चिल्लाहट से गुजरा चाहिए। ये अपने दम को है हर इंसान का भाषण। ठीक है जाओ परमेश्वर के साथ रखे चाय नाश्ता करो। मेरी नई बहू, एक बात कहूँ, आपकी बहू पढ़ी लिखी है, सुंदर है, बहुत अच्छी है, मगर एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा, कहूँ लड़की सुंदर होना पढ़ी लिखी होना अच्छी बात है, लेकिन अभी देखना है उसका मन कितना सुंदर है। एक बात कह रहा हूँ, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसके साथ जिंदगी भर आपको चलना है, आपको रहना है, उसका स्वभाव और कैरेक्टर सुंदर होना बहुत जरूरी है। राकेश, शादी करके बहू घर पे आ गई है, उसका आज पहला दिन है और तुम उसके बारे में ऐसी बातें कर रहा है। शुभ शुभ बोल बेटा, शुभ शुभ बोल। अच्छे भले खानदान की पढ़ी लिखी लड़की है वो, और मैं कोई घटिया किसी पुराने खाया लड़की औरत तो हूं नहीं। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बहू जो है वो पढ़ी लिखी है, मॉडर्न है, बहुत खुश हूँ मैं। अब देखो मेरा परमेश्वर काम काज के लिए रोज सुबह उठकर दिन भर घर के लिए घर के बाहर रहेगा। घर पे कौन रहेगा? एक मैं एक वो, हम दोनों एक दूसरे के साथ साथ रहेंगे। तभी अच्छे से हमारी मतलब जो हमारा रिश्ता है वो अच्छे से आगे बढ़ेगा और मेरा ये जो सब घर प्रॉपर्टी दागिना पैसा है तो मेरे पास उसी का तो होगा। अरे कितने दिन जीने वाली हूँ मैं? बहुत अच्छी है मेरी बहू। तू बता अपने वृद्धाश्रम के हालात बता, सब लोग कैसे हैं? हाँ सब ठीक तो चल रहा है वहाँ पे? अरे भगवान करे आपके बहू वैसे ही हो जैसा आप चाहती हो, जैसा आप सपना देखती हो, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, कहूँ? आपको पार्वती आंटी के बारे में मालूम है ना? अरे हाँ वही वाला आंटी, आपसे मिला था मैंने। क्या हुआ? बुरा हाल है आंटी, आपको मालूम है उनका साथ क्या हुआ? उनका बेटा शादी किया ना, तो शादी के बाद क्या हुआ, उनका बहू उनका बारे में दिन रात चुगली करते करते, यानी कि उनके बेटे के कानों पे चुगली करते करते, अरे सुनिए तो सही, पहले अलग करने के लिए कोशिश किया, उसके बाद क्या हुआ मालूम है? उनके सारे प्रॉपर्टी सिग्नेचर जाली करके सब हड़प लिया और लेके
मेरा वृद्धाश्रम में फेंक दिया। पहले तो थोड़ा बहुत खर्चा देते थे, आजकल तो खर्चा ही नहीं उठा रहे वो लोग। उनका सारे खर्चा मैं अपने वृद्धाश्रम से उठाता हूँ। बेचारी आंटी रात दिन रोती रहते हैं आंटी, और अपने बेटे पोती पोतियों को याद करते रहते हैं। अरे आजकल यही ट्रेंड चल रहा है, शादी के बाद तो नया घर, मतलब बेटे और बहू अलग घर में रहने लगते हैं और माँ बाप को सीधा फेंक देते हैं ते रस्ते में या तो वृद्धाश्रम में। बुरा मत मानिए, ऐसे मत कहो, मेरे बहू ऐसे नहीं है, मेरा बेटा वो मुझे नहीं वृद्धाश्रम दीजिए, कुछ भी मत कहो, चाहे तो। अरे मैंने ऐसे कब कहा आंटी, इतना सालों से आपको मैं जानता हूँ, आपके जैसा सांस मिलना कोई भी बहू के लिए आशीर्वाद है, मालूम है। लेकिन आंटी कुछ लोग रहेंगे आपका बहू का कान भरेंगे और आपके घर में जाहिर सी बात है मतलब आग लगाने के लिए कोशिश करेंगे, और ऐसे केसेस में ज्यादा से केसेस में क्या होता है मालूम है, लड़की वाले की माँ बाप ही ये सब चीज करते हैं। अरे कुछ नहीं, दामाद को अपने काबू में रखने के लिए कोशिश करते हैं बस, मतलब आपकी बहू आपसे डरने लगेगी, वो खुद का मतलब खतरा महसूस करेगी आपसे, जाहिर सी बात है आपको वृद्धाश्रम में भेज देगी। ये सब चल रहा है आंटी, आप बुरा मत मानिए, लेकिन आपसे आपके साथ ऐसा ना हो भगवान से ही चाहता हूं। बाहर के दुश्मन से तो आप लड़ सकते हो, घर के दुश्मन से मेरे मासूम भाई से ही नागिन को पहचान नहीं पाए। गुस्सा आता है मुझे अपने आप पे, घिन आती है मुझे, अपनी बीवी का गुलाम बनकर बैठा कुछ कर भी नहीं सका, अपने विचार अपने फैसले कुछ नहीं रहा है मेरा। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता आजकल के ये बच्चे अपनी बीवी के कहने पर अपने माँ बाप के साथ ऐसे बर्ताव कैसे करते हैं, ये अपनी बीवी के गुलाम बनके डर डर के जिंदगी निभाते हैं। सच कहें तो ये अपने सास ससुर के सामने अपना वजूद बेच देते हैं और अपने बूढ़े माँ बाप को भूल कर सास ससुर का गुलाम बन जाते हैं। अब किसी भी वृद्धाश्रम में जाइए, ऐसी भयानक कहानी आपको सुनने मिलेगी जहां बच्चों ने अपने माँ बाप को रास्ते पर भीख मांगने के छोड़ दिया है। जी हाँ, कुछ बच्चे तो अपने माँ बाप को भीख का कटोरा लेकर रास्ते पर छोड़ देते हैं, भीख मांगने के लिए, दर दर की ठोकर खाने के लिए, मरने के लिए। ये माँ बाप अपनी जवानी काम करते करते अपने बच्चों को बड़ा करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अच्छी परवरिश देने की कोशिश करते हैं, और फिर यही बच्चे बड़े होने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखा के उन्हें रास्ते पर छोड़ देते हैं भीख मांगने के लिए। न्यूक्लियर फैमिली अब एक फैशन बन चुकी है, लेकिन इसमें इन बुजुर्गों की कोई जगह नहीं है, ये सिर्फ यंग जनरेशन की है, इसलिए तो इतने वृद्धाश्रम खुल गए हैं। वृद्धाश्रम एक ऐसा घर जहां ये असहाय बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों के घर से निकाले जाने के बाद, उनकी जिंदगी से निकाले जाने के बाद, दो वक्त की रोटी, एक छत और कपड़ों की तलाश में यहां का आश्रय लेते हैं। हर सांस बुरी नहीं होती, हर भूख भी बुरी नहीं होती। कुछ माँ बाप तो ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के साथ बड़ी हंसी खुशी से दोस्त बनकर उनके साथ जिंदगी निभाते हैं। अंबिका देवी भी अच्छी सांस थी, उन्होंने अपनी बेटी के लिए मनपसंद बहू भी लाई, लेकिन उन्हें क्या मालूम था यही बहू एक दिन उन्हें अपने ही घर से बाहर निकाल देगी। अंबिका देवी अपने बेटे से मिलने के लिए जिंदगी भर तरसती रही, वो अपने बेटे से मिलने के लिए बार बार गुहार लगाती रही, लेकिन उनकी बहू ने आखिरी सांस तक उनसे मिलने नहीं दी। अंबिका देवी अपने बेटे से मिलने के लिए रोती रही, तड़पती रही, आखिरकार चल बसी। देखिए मां के मरने के बाद बेटा उससे मिलने आया है।
अरे परमेश्वर आप आ गए, आपके लिए ही हम लोग इंतजार कर रहे थे, अब बहुत लेट हो गए। दास हंसकर, तो कल सुबह होगी क्योंकि अभी तक बहुत लेट हो चुकी है। अपनी माँ के आखिरी वक्त में भी आपकी सास इस सास को उनके साथ नहीं था। मैं आपको आपके माँ के कमरे में ले जाता हूँ और आप चाहे तो आज की रात वहीं बिता सकते हैं, दिल खोलकर अपनी माँ के साथ वक्त बिता सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि अगर आप थोड़े पहले आए होते ना तो कम से कम वो आपकी बात सुन सकती, वो भी अपनी बात मन खोलकर आपसे कह सकती, लेकिन अब तो देर हो चुकी है, तुम्हारी कोई भी बात सुन नहीं सकेगी। लेकिन फिर भी आप अपने दिल की तसल्ली कर लीजिए। हम बच्चे तो यहीं पे गलतियां कर बैठते हैं, हमेशा अपने माँ बाप से कुछ ना कुछ पाने की उम्मीद करते रहते हैं और वो हमें सब कुछ देते देते खाली हाथ हो जाते हैं, और हम वो जब बूढ़े हो जाते हैं उन्हें वृद्धाश्रम या तो रास्ते में कचरे की तरह फेंक देते हैं। अब रोने से क्या फायदा, आपके आंसू पोंछने के लिए देखने के लिए आपकी मम्मी वापस नहीं आएगी। अरे मैं जानता हूँ आपके बीबी के बारे में, रोमिता जी के बारे में, लेकिन आप तो उनके बेटे हो ना, जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिनके वजह से आपका एग्जिस्टेंस है। आप वो बूढ़े हो गए, बीमार हो गए, पूछते ही भूल गए। This is very sad. देखो बेटा, अपनी बीवी से प्यार करना अच्छा है, उसकी इज्जत करना अच्छा है, लेकिन उसका गुलाम मन के उसके कहने पर अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देना, ये तो सही नहीं है ना। बीवी अच्छी ना हो ना तो जिंदगी चक्कर में पड़ जाएगी, मेरी जिंदगी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी, रोज जरा जरा करके मर पाऊंगी। ओके 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 ओके, हैव पेशेंस पंचू, इनका दर्द मैं समझता हूँ, इनके अपने मम्मी के कमरे में लेके जाइए, जाइए आखिरी बार बात कर लीजिए। बहुत तकलीफ सहा है उन्होंने, लेकिन अब देखो कितनी शांति से सो रही है, अब कोई भी तकलीफ उन्हें छू नहीं सकती, बहुत अच्छी औरत थी तुम्हारी मां, मुझसे कितनी बातें करती थी, मुझे अपना भाई मानती थी वो। परमेश्वर बेटा एक बात कहूं, मैं बहुत गरीब इंसान हूं, लेकिन अपनी मां को कभी ऐसे ऐसे रास्ते पर नहीं छोड़ता, अपनी छोटी सी कुटिया में उसे रख लेता, लेकिन ताकि उसे कभी कोई तकलीफ ना हो। बेटा कोई भी मां अपनी इच्छा से अपने बेटे को छोड़कर आश्रम में नहीं आती, उसे मजबूर किया जाता है या उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। मैं चलता हूं, कल सुबह तुम्हारी मां की अंत्येष्टि है ना, लोगों का इंतजाम, चिता लकड़ी सब तैयारी करनी है, तुम बैठकर अपने मां से बात करो, उनकी आत्मा अभी भी इस कमरे में है, पिंडदान के पहले मुक्ति नहीं मिलती ना, तुम बात करो। Thank you.
सर पर चंदा लेना कभी पसंद नहीं था तुम्हारा दम उठता था ना किस्मत को दोष मत दो मां, गलती हमारी। हमने पहले दिन से भूमिका को इतना सर पे चढ़ाया, इतना सर पे चढ़ाया कि हमको सर पर चढ़कर ही बैठ गए। नहीं मेरा बहु है, सर पे जरूरत नहीं था उसका। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसके दिल में मेरे लिए एक माँ की जगह बना दूं, पर नहीं बना पाई। बार बार किस्मत को दोष मत दो, दोष किस्मत का नहीं है। कितने खुश थे हम सारे। ये देखो, तुम कितनी खूबसूरत दिखती थी बचपन। मैं पूरा दिन दौड़ता था आके तुम्हारी गोद में छुप जाने तक। सारे दिन कहां चले गए? वो सब बातें याद है। कितने वस्ती करते थे, कितने गुस्सा करते थे, और फिर मैं तुम्हें घूमने लेके पक्की करके तुम्हें और दिमाग करना करती थी। कैसे बोल सकती हूँ तुम्हारे बचपन में? मालूम क्यों छोड़ भी जाने को? ऐसा नहीं है, माँ हमेशा के लिए जिंदा नहीं है। एक ना एक दिन तो मुझे जाना है। अरे हर किसी को एक ना एक दिन ये दुनिया छोड़ के जाना ही है। मगर क्या माँ नहीं हूँ। मगर क्या शादी के बाद से कभी हम साथ में बैठ के बात नहीं करूँ? आज से साहब मैं तुम्हें कोई कोई नहीं होता। क्या क्या अब मुझे वजन को क्या क्या मेरे शरीर को पूरी कर पाऊँ? सबसे पहले तो रोना बंद कर। एक बात क्या कर, मेरे मरने के बाद कोई ये न कहे कि पेट में दस की बुढ़िया मर गई, बल्कि कहने वाले ये कहे कि परमेश्वर चैटर्जी की माँ राजेंद्र चैटर्जी की पत्नी रोमिता की सासू जी
और मेरे कुंडली की दादी स्वर्ग से हट गई है। हाँ, ऐसे ही मेरा क्रियाकर्म और थोड़ी देर में तुम सब लोग मुझे ले जाओ, मेरा क्रियाकर्म करो बेटा। माँ के साथ ये तुम्हारे आखिरी पल है, हमेशा याद रखना। बस इतनी ख्वाहिश है मेरी, पूरी करोगे ना? जिंदगी भर अपने बोलने की लाड़ी के लिए सोचा, लेकिन अब मुझे उसे दूर जाना पड़ेगा। दादी मैं अभी अभी तो आए हो, आप फिर से चली जाओगी? हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, आप यहाँ रहोगे हमारे साथ। आप रो क्यों रहे हो दादी माँ? आप मत रहो दादी माँ, आपको कोई तकलीफ हो तो हमें बताओ। नहीं बेटा, मुझे कोई तकलीफ नहीं, अब के मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी, तुम्हारे दिल में। मुझे याद करोगे ना? मुझे याद करना। आप हमको परियों की कहानियां सुनाया करते थे, उसमें होते हैं? हाँ बेटा, परियां सचमुच होती है। मुझे प्रॉमिस कर, मुझे याद करोगे ना? नहीं भूलोगे ना? अंकित, क्या बातें कर रहे हो? रात के 3:30 बजे सो जाओ। मम्मा, हमारी दादी माँ वापस आ गई है, आपने बताया क्यों नहीं? हमारी दादी माँ तीर्थ यात्रा से वापस आ गई है, अब मैं अपनी दादी माँ से ढेर सारे बातें करूँगा, खूब खेलूंगा और कहानियाँ सुनूंगा। सब सपना देख रहे हो क्या? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, दादी माँ यही थी, आपको देख के नाराज होकर चली गई होगी, आप उन्हें बहुत सताते हो, आप बहुत बुरी हो मम्मा। दादी माँ कहाँ चली गई? दादी माँ, दादी माँ। अंकित चुपचाप सो जाओ, वरना गाल पे कस के थप्पड़ लगाऊंगी ना। अभी दोबारा से दादी माँ किया ना तो चलो पानी पी के आओ और आप लड़के वापस सो जाओ, कोई नहीं यहाँ पर। चलो सो जाओ। दादी माँ कहाँ चली गई? हेलो, किधर हो? रात भर के अपनी माँ की गोद में बैठने वाले, पर बीवी बच्चे कुछ याद है कि नहीं? उनको बोल देना कि वो मेरे बेटे से दूर रहे। दो तो उनको फोन दो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? वहाँ कभी तुमसे बात नहीं करेगी, कभी तुम्हारा फोन नहीं उठाएगी वो, तुम निश्चिंत हो जाओ। बोले बच्चे सो रहे हो, तुम वहाँ बेटा गेम खेल रहे हो? कोई गेम नहीं खेल रहे रोमिता, मेरी माँ अभी दुनिया में नहीं रही, चली गई है वो,
और मरे हुए इंसान कभी चलकर घर नहीं जाते। किससे बात कर रहा था? सच में अंकित किससे बात कर रहा था? मैंने खुद देखा है। कुछ भी बकले जा रही हो तुम। अब मुझे लगा ममिता कि तुम सच में पागल हो चुके हो, पूरी तरीके से पागल हो चुके हो। कौन है? अंकित सच में किसी से बात कर रहा था? मैंने खुद सुना है। अभी बकवास मत करो, मेरी बात सुनो। माँ के दाह संस्कार के लिए और श्राद्ध के पैसों के सफर पर मैंने लॉकर में 20,000 रुपए रखे हुए, वो लेकर फौरन निकल गया। अंकित तुम्हें लिहाजा आ गया। 20,000? अरे पैसे क्या पेड़ पे लगे? तुमने ऑर्डर किया और मैं तोड़ के लेकर आ गई? तुम्हारी माँ को मरने के बाद ना डिमांड खत्म नहीं हुई, मरने के बाद भी इतना खर्चा लगा के जा रही। जितना कहा गया उतना करो, पर तुम मेरी माँ के बारे में, अपनी सास के बारे में बात कर रही हो। तुम चिल्लाओ मत मुझ पे, समझे? अभी धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ रोमिना। तुम्हें कंप्लेन करनी है ना पुलिस में, जाओ करो। पुलिस को मैं खुद बताऊंगा तुमने मुझे और मेरी माँ को कितना टॉर्चर किया, कितना सहा है मेरी माँ ने। अरे तुम्हारी भलाई इसी में, जो कह रहा हूँ चुपचाप सुनो और चल के निकलो वहां से पैसे लेकर। अपनी माँ के पास जाके फिर से शेयर बोले बुला रहे मुझ पे? आओ तो तुम घर क्या बके जा रहे हो? तुम संभाल के बात करो। अच्छा तुम अब मुझ पे हुकुम चलाओगे? मैं तुम्हारी गुलाम नहीं, याद रखना। तुम अपनी लिमिट्स में रहो। मैं तुम्हारा पति हूँ और पति के सामने किस तरह बात कर रहा तुम्हें शायद पता नहीं। मुझसे मुलाकात मरने के बाद भी अपनी माँ को जिंदा रखना चाहते हो? इस कॉल के साथ बात करके दिमाग खराब हो जाता है मेरा। थैंक यू वेरी मच मैम। 20,000 लाए, इसमें से माँ का दाह संस्कार बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। आगे जो बन पाता है मेरी तरफ से मैं जरूर करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। मेरी मान सम्मान की रक्षा कीजिए। हाँ, आपके साथ जाते जाते यही कहा कि वो अपने मर्जी से यहाँ पे आई है। आपके बेटे उनके पोते से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन तुमने तो कहा था कि मम्मी दादी मत देखते बहुत बुलाया मगर वो वापस नहीं आए। क्या बात कर रहे हो? दादी माँ तुमसे मिलने आई थी? अरे अच्छा शायद बेटा तुम्हारा दादी माँ तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए शायद तुम आ गए मिलने तुमसे, है क्या? नहीं, मेरी दादी माँ को बहुत मिस किया, मुझे दादी माँ के पास जाना है। प्लीज मम्मी मुझे दादी माँ के पास ले चलो, मुझे उन्हें देखना है। अच्छा मैम,
आप लोग जाइए, आपके सांस से मिल लीजिए और ये बच्चे को भी साथ में लेके जाइए। जाओ बेटा। चुपचाप लेटी क्यों है? वो हमसे बात क्यों नहीं कर रही है? उठ के मुझको प्यार क्यों नहीं कर रही है? बोलो ना मम्मा। दादी माँ उठ क्यों नहीं रही है? मुझे दादी माँ के पास बैठना है। कितने दिन हो गए दादी माँ की गोद में बैठा नहीं। दादी माँ को बोलो ना मुझसे बात करने के लिए पापा। तुम्हारी दादी अब तुमसे कभी बात नहीं कर पाएगी, कभी नहीं मिल पाएगी तुम्हें। दादी माँ का प्यार मिलेगा, दादी माँ से मिलेंगे, खूब खेलेंगे, इसलिए भाग भाग के जल्दी जल्दी आया। मगर दादी माँ तो हमसे बात ही नहीं कर रही है। क्यों पापा? क्यों पापा बताओ ना, हमारी दादी माँ सो क्यों रही है? अंकित बार बार एक बात तुम्हारा बंद करो, तुम्हें दिख नहीं रहा है तुम्हारी दादी माँ मर गए? अब वो तुमसे नहीं बात करेंगे, नहीं बोलेंगे। मर गए कैसे मम्मा? नहीं हम झूठ बोल रहे, हमारी दादी माँ जिंदा है। मुझको पता है दादी माँ यहाँ आना नहीं चाहते थे, इसलिए इतना रो रहे थे। हमारी दादी माँ रोते रोते मर गए। मुझे सब याद है मम्मा, तुम पापा के साथ कितना झगड़ा कर रहे थे। दादी माँ मुझको छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, लेकिन तुमने जबरदस्ती यहाँ भेज दिया और हमारी दादी माँ मर गए। तुम बहुत बुरी हो मम्मा, तुम्हारी वजह से हमारी दादी माँ मर गए। तुम बहुत बुरी हो, गंदी हो, तुम्हारी वजह से हमारी दादी माँ मर गए, मुझको छोड़ के चली गई, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। मैं बहुत बुरी हूँ, गंदी हूँ, तुम्हें पता है तुम्हारी दादी माँ के कितने खर्चे थे यहाँ पर? हाँ, इस संसार में कितनी कितने काम है, कितनी अशांति है, कितना झंझट है। उन सबसे बचकर तुम्हारी दादी माँ आराम से रहती थी और उन्हें कोई काम ही नहीं करना पड़ता था। वो बहुत अच्छे से रहती थी, बहुत आराम से रहती थी, देख ले तुम सब कितने ऐशो आराम से रहती, प्यार से रहती, देखो कितने खुश थे दादी माँ यहाँ पर। दादी माँ यहाँ अच्छे थे मम्मा, क्या तुम सही कर रहे हो मम्मा? दादी माँ यहाँ खुश थे और नहीं तो क्या? पापा दादी माँ यहाँ खुश थे, बोलो ना। इसका जवाब तुम्हारी माँ अच्छे से दे पाएगी। ठीक है फिर, जब मामा की उम्र आ जाएगी और मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं भी मेरी मामा को इसी आश्रम में रखूंगा। फिर तुम यहाँ आराम से रहना, तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। सही कहा बेटा, सही कहा तुमने, समझ में आई बात? सही कहा इसी अपने घरों का बल सबको इसी उम्र में यही प्रभाव था पड़ता है। ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने कैसा बीज बो दिया, मेरे अपने ही घर मेरे पीछे आ गए। क्या हो गया ये मेरे हाथों, कैसा बीज बो दिया मैंने अपने कर्मों का, मेरे ही कर्म मेरा पीछा करेंगे। मैंने क्या कर दिया, तुम्हारे आंसू से तुम्हारे कुछ पाप धुल जाए तो मरना है। मेरी माँ को तो कभी तुमने शादी से रहने के लिए दिया, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए उनकी आपकी इच्छा में पूरी करके ही रहूंगा। शायद से मेरी माँ की आत्मा को शांति मिले। माफ कर दो माँ, ये जिंदगी कर्म का आईना है,
जो घर घूम कर होगी वही घर घूम कर तुम्हारे सामने आके खड़ी होगी। मुझे माफ कर पापा, मुझे माफ कर दो। ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या हो गया मुझसे? मैंने कितनी कोशिश की माँ बेटे को अलग करने की, क्या कुछ नहीं किया। कितना सताया आपको माँ, अब मेरे ही कब मेरे पीछे है। मुझे माफ कर दो माँ, काश मैं अपने मम्मी पापा की बातों में नहीं आती। काश आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। अब मैंने जो बीज बोया है उसका फल तो मुझे भूख नहीं है। मुझे माफ कर दो माँ। एक्सक्यूज मी परमेश्वर, सारे बंदोबस्त हो गया, फूल चंदन लकड़ी और सारे लोग आते ही होंगे, प्लीज सब लोग आ जाइए। हाँ फ्रेंड्स, मायसेल्फ फिल्म डायरेक्टर स्निग्धा मुखर्जी। आज ये कहानी में हमने देखा माँ के साथ कुछ पल में कि अंबिका देवी को उनकी अंतिम यात्रा में जैसे चाहिए था, पोते पोतियों के साथ, उनके बहू के साथ, बेटे के साथ, वो सब उनको मिल गया। लेकिन बाकी जो वृद्धाश्रम के जो लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको क्या इतना इज्जत इतना सम्मान अंतिम यात्रा के वक्त मिल पाता है? नहीं, क्योंकि हम बच्चे जब भी बड़े हो जाते हैं अपने माँ बाप से सब कुछ ले लेते हैं, उनकी धन दौलत प्रॉपर्टी, उनका खून चूस चूस के बच्चे लोग बड़े होते हैं और अपने माँ बाप को फिर वृद्धाश्रम में धकेल देते हैं, पुराने फर्नीचर पुराने कपड़े की तरह, और बूढ़े माँ बाप असहाय कुछ कर भी नहीं पाते। मेरी ये कहानी का एक ही मकसद है
के समाज में मैं ये दिखाऊं कि हर माँ बाप को वो प्यार मिले, वो इज्जत मिले। आइए एक नई समाज की योजना करें जहाँ पे हर माँ बाप को इज्जत और प्यार मिलेगा। हम कभी पूछते हैं अपने माँ बाप को कि उन्हें क्या चाहिए, जैसे कि अंबिका देवी रोते रोते इस दुनिया से चली गई, अपने बेटे को देख भी नहीं सकी। मरने के बाद बेटा आके दो पल की बात करता है, तभी स्टोरी का नाम है माँ के साथ कुछ पल। कुछ पल कब? माँ मर जाती है तब? ऐसा हमारे साथ कभी ना हो। हमारे घर में जो अनमोल खजाना है, हमारे माँ और पापा, आइए उन्हें ढेर सारा प्यार दे और उनकी इज्जत करे। नमस्कार। ईश्वर को मैंने देखा नहीं, देखा है तुमको मेरी माँ। आँख खुली तो देखा तुझे, ममता पिलाई तूने माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी I'm not afraid.